हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मैनिक रिएक्शन। मैनिक रिएक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है जो कि बीएससी, एमएससी, नेट, गेट और बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम में पूछी जाती है। इसके एक या दो क्वेश्चन हर किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसकी मैं आपको टेक्निक बताऊंगी इजी करने की, कि हम किस तरह से क्वेश्चन बहुत इजी सॉल्व कर सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं मैनिक रिएक्शन की डेफिनेशन और कंडीशन से। द कंडेंसेशन ऑफ ए कंपाउंड कंटेनिंग एक्टिव हाइड्रोजन विद फॉर्मेल्डिहाइड एंड अमोनिया और प्राइमरी और सेकेंडरी एमीन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट HCl टू फॉर्म एमिनो मिथाइल डेरिवेटिव। जो ये हमारा प्रोडक्ट बनता है एमिनो मिथाइल डेरिवेटिव, इसको हम सेकंड नेम हमारा क्या है, मैनिक बेस। तो हम इसके तीन रिएक्टेंट्स हो गए, हमारे मैनिक रिएक्शन के हमारे तीन रिएक्टेंट हैं। कौन कौन से? एक फर्स्ट हो गया हमारा एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड, कंपाउंड कंटेनिंग एक्टिव हाइड्रोजन। दूसरा जो हमारा रिएक्टेंट है वो है फॉर्मेल्डिहाइड, और तीसरा जो हमारा रिएक्टेंट है वो हमारा अमोनिया हो सकता है, या प्राइमरी एमीन हो सकता है, या हमारा सेकेंडरी एमीन हो सकता है। ये तीनों रिएक्टेंट हमारे कैटालिस्ट जो होता है HCl उसमें रिएक्ट करते हैं उसकी प्रेजेंस में और हमारा बनाते हैं मैनिक बेस। तो हम जो अब हम लेते हैं मैनिक रिएक्शन का एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में जो फर्स्ट रिएक्टेंट है कंपाउंड कंटेनिंग एक्टिव हाइड्रोजन, इसका हम एग्जाम्पल ले लेते हैं एसीटोन। इसमें क्या है, हमारा जो अल्फा हाइड्रोजन है वो हमारा एक्टिव है। जो सेकेंड रिएक्टेंट है हमारा जो फॉर्मेल्डिहाइड, वो एक कंपल्सरी रिएक्टेंट है, इसको हम कभी भी मैनिक रिएक्शन में रिप्लेस नहीं करते। तो ये हो गया हमारा कंपल्सरी रिएक्टेंट फॉर्मेल्डिहाइड। जो हमारा तीसरा रिएक्टेंट है उसमें हम अमोनिया भी ले सकते हैं, प्राइमरी एमीन भी ले सकते हैं, या हम सेकेंडरी एमीन भी ले सकते हैं। हम इस रिएक्शन में यूज करेंगे सेकेंडरी एमीन, जो कि हमने लिया डाई मिथाइल एमीन। ठीक, अब हमने क्या यूज किया, HCl। HCl क्या हमारा कैटालिस्ट, तो जो इसका प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा हमारा, CH3CO CH2 CH2 and CH3 का ट्वाइस। ठीक है, ये क्या बना हमारा बीटा एमिनो, बीटा एमिनो कार्बोनिल कंपाउंड, मैनिक बेस, क्योंकि हमारे ये कार्बोनिल ग्रुप और ये हमारा अल्फा, ये बीटा, बीटा से हमारा जुड़ रहा है एमिनो ग्रुप, तो बीटा एमिनो कार्बोनिल कंपाउंड। तो क्या है कि हमारा जो कॉमन नेम जो होगा वो है हमारा एमिनो मिथाइल डेरिवेटिव। जैसे जैसे हम रिएक्टेंट चेंज करते जाते हैं वैसे वैसे हमारे क्या होते हैं, प्रोडक्ट चेंज होते जाते हैं। जैसे हमने इसमें लिया कीटोन तो हमारा बनेगा बीटा एमिनो कीटोन। ठीक है, अगर हम दूसरा रिएक्टेंट लेंगे तो हमारा दूसरा प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन वो आएगा हमारा एमिनो मिथाइल डेरिवेटिव में ही, उसको हम बोलेंगे मैनिक बेस। अब हम पढ़ेंगे मैनिक रिएक्शन की कंडीशन।
तो मैनिक रिएक्शन की ओवरऑल रिएक्शन हम किस तरह से लिख सकते हैं? ठीक है, ये क्या है हमारा एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, ये हमारा फॉर्मेल्डिहाइड और ये हमारा है सेकेंडरी एमीन। ठीक है, तो मैनिक रिएक्शन में क्या होता है, इसका H, इसका O और इसका H एलिमिनेट हो जाएगा, तो इन द प्रेजेंस ऑफ HCl माइनस वाटर मॉलिक्यूल, किसमें से हमारा सेकेंडरी अमीन से ये वाला हाइड्रोजन, फॉर्मेल्डिहाइड से ऑक्सीजन और जो हमारा एक्टिव हाइड्रोजन है वो हमारा एलिमिनेट हो जाएगा वाटर मॉलिक्यूल और हमारा बना देगा बेस। ठीक है, ये हमारा बन गया मैनिक बेस। अब क्या हमारे पास जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट वन, रिएक्टेंट टू और ये हमारा रिएक्टेंट थ्री, तो जो हमारा एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड है इसके पास कम से कम एक हाइड्रोजन होनी चाहिए, इसके फॉर्मेल्डिहाइड हमारा कंपल्सरी है तो इसका ऑक्सीजन होना चाहिए और ये जो हमारा सेकेंडरी अमीन है इसका जो हाइड्रोजन है वो होना चाहिए, तो मतलब कि वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होने से हमारा मैनिक बेस बनता है। तो रिएक्टेंट जो हमारा वन है, अब हम लिख लेते हैं रिएक्टेंट वन, रिएक्टेंट टू और ये हमारा रिएक्टेंट। ठीक है, तो ये एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड कौन कौन से हो सकते हैं? नंबर एक, हम कीटोन यूज कर सकते हैं, एल्डिहाइड यूज कर सकते हैं, एस्टर यूज कर सकते हैं, नाइट्रोएल्केन, फिनोल, अल्फा एंड गामा, मिथाइल, पिरिडीन और अल्फा एंड गामा मिथाइल क्यूनोलिन एटेस्ट। ठीक है, तो एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड जो है हमारे हम ये यूज कर सकते हैं। रिएक्टेंट टू जो है हमारा वो हमेशा फॉर्मेल्डिहाइड ही होगा, ये फॉर्मेल्डिहाइड ये हमारा कंपल्सरी। अब जो हमारा रिएक्टेंट थर्ड है वो हम ले सकते हैं अमोनिया, ये हमारा प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन। ठीक है, कि इनके पास कंडीशन क्या है हमारी, कि हमारा क्योंकि रिएक्टेंट थर्ड से एक हाइड्रोजन एलिमिनेट होता है, कम से एक हाइड्रोजन एलिमिनेट होता है तो इस इन रिएक्टेंट के पास कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए, तो इसमें हमारे कितने हाइड्रोजन है, थ्री, इसमें हमारे कितने हाइड्रोजन है, टू और सेकेंडरी अमीन में वन, तो इनके हम नाम लिख देते हैं
अमोनिया, ये हमारा प्राइमरी एमीन और ये हमारा सेकेंडरी एमीन। ठीक है, तो ये रिएक्टेंट जो हमारा तीसरा रिएक्टेंट है उसमें से हम क्या ले सकते हैं, अमोनिया सेकेंडरी एमीन। अब ये क्वेश्चन उठता है कि हम टर्शियरी एमीन क्यों नहीं लेते, तो टर्शियरी एमीन क्या होता है, R3N, ये हो गया हमारा टर्शियरी एमीन। इसमें एक भी हाइड्रोजन नहीं है, जबकि हमें वाटर मॉलिक्यूल के एलिमिनेशन के लिए इसके पास एक हाइड्रोजन होना चाहिए, लेकिन टर्शियरी एमीन के पास हमारे पास हाइड्रोजन नहीं है। तो ये जो हमारा टर्शियरी एमीन है वो हमारा क्या होगा, मैनिक रिएक्शन में यूज नहीं होगा। तो मैनिक रिएक्शन में हमारे ये वाले रिएक्टेंट यूज कर सकते हैं। अब हम ये देखेंगे कि मैनिक रिएक्शन में हम सेकेंडरी जो एमीन होता है उसको प्रिफर करते हैं। इसको अगर हम तीन अमोनिया, प्राइमरी एमीन और सेकेंडरी एमीन में से हम जो प्रिफर करते हैं वो सेकेंडरी एमीन करते हैं। क्यों करते हैं आप इसका मुझे आंसर दो, और इसका आंसर मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। और अगर आपको पता है तो आप मेरे चैनल के केमिस्ट्री क्लासेस फॉर ऑल में एक कमेंट में जाकर आप मुझे बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।